आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं डी बी एस जैम, एक गैजेट वाइट कीबोर्ड माउस कॉम्बो। देखते हैं, वैसे डी बी एस कंपनी का मैंने कीबोर्ड तो आप भी बहुत सारे ऑफिस में रेलवे समय कर देखा होगा। टी बी एस के ब्रांड के कीबोर्ड जो होते हैं बहुत सारे रफ एंड टफ है, लेकिन वो उसका रेंज थोड़ा ज़्यादा होता है, 2000-3000 से ये बजट रेंज का है, इसीलिए आप देख लेते हैं इसका क्वालिटी कैसा है। पहले माउस देख लेते हैं, वैसे माउस तो ठीक ठाक है, स्क्रॉल व्हील भी ठीक है। पहले जैसे माउस को साइड में रखते हैं, अब देख लेते हैं उसके कुछ की फीचर्स, जैसे 10 मिलियन के स्ट्रोक्स, मल्टीमीडिया केज हैं, रिजोल्यूशन पी आई, ऑप्टिकल सेंसर है, यूएसबी प्लग एंड प्ले है। वैसे इसका टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का ब्रांडिंग है, जैसे इंपोर्टेड बाई जैसे कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है, और टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांडिंग है यहाँ पे। ठीक है, देख लेते हैं अभी कीबोर्ड की क्वालिटी क्या है। इसमें बेस्ट ब्रांड के ब्रांड कीबोर्ड है, कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है और टेक्निकल सपोर्ट के लिए। अब कीबोर्ड की स्विच देखते हैं कैसे है, उससे तो मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, एम्बेडेड कीबोर्ड ही है, लेकिन अगर आपने इससे पहले बजट कीबोर्ड जो भी देखे होंगे एंटर किए होंगे उनसे तो कि इसकी प्रेस की क्वालिटी मुझे बेहतर ही लग रहा है, थोड़ा सा तो फील आता है अपने कहने कि इस प्रेस में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह मल्टीमीडिया बटन से प्ले पॉज का बटन है, वॉल्यूम अप डाउन, वॉल्यूम प्लस माइनस का बटन है, अनलॉक लॉक है, और क्या कीबोर्ड की क्वालिटी अच्छी है। इसकी प्राइस के हिसाब से इससे मैंने ऑफर में खरीदा था अमेजन से, करीब मुझे ये 800 रुपीज़ का मिला है, 800 का प्राइस का हिसाब से लेकर लिया। सारे केस की प्रेसिंग जो है स्मूथ है, डेफिनेटली मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, लेकिन सस्ते बहुत ठीक है, देख लेते हैं उसको मैं लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद इसका रिव्यू आपको देना होगा। आज के लिए इतना, बहुत बहुत दोस्तों।